हेलो एवरीवन, आज है 7 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। देखिए, आज बढ़िया रैली है, 3% की तेजी आज हमें भारतीय एयरटेल के शेयर में देखने को मिली है। 508 509 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि भारतीय एयरटेल के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, और फ्यूचर में भी आप किस तरीके से इस शेयर को प्ले कर सकते हैं और कौन से टारगेट यहाँ पर बताया जा रहा है। उन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ, अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं भारतीय एयरटेल के। 509 रुपए का शेयर है, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 13% का ये ग्रोथ दिखा चुका है। 450 रुपए के लेवल से उठकर ये शेयर काफी अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। 13% का ग्रोथ है, कोई उतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी 13% का ग्रोथ एक महीने में बुरा नहीं है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि 500 रुपए तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे, और आप देखिए वो तब शायद जब 470 रुपए से भी कम प्राइस पे था। और ये वीडियो मैंने बनाया था पिछले महीने 19 तारीख को, 19 नवंबर का ये वीडियो है, और मैंने कहा था कि बहुत जल्दी आपको 500 रुपए के टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे, और आज 500 रुपए का टारगेट यहाँ पर अचीव हो भी चुका है। तो जरूर यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा कि नहीं, और किस तरीके से इसको प्ले करें। एक साल में अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल में पिछले एक साल में 15% के आसपास का ग्रोथ है, लेकिन इस बीच 400 रुपए तक का लो भी था, बढ़िया रैली आई, शेयर पहुंचा 600 रुपए तक, फिर गिरावट आई, 400 रुपए के आसपास पहुंचा, अब वापिस से बड़ी रैली की तरफ ये शेयर आगे बढ़ रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 2,72,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 2,21,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम रेट है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी और बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो भारतीय एयरटेल में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ने अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ाया, जबकि एफआईआईएस ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग आप देख सकते हैं कि एफआईआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास है, 36% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास, और 17.57% की होल्डिंग एफआईआईएस, 14.36% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास, 5.47% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एक भी शेयर गिर भी नहीं है प्रमोटर का, बहुत अच्छी बात है। 38 म्यूचुअल फंड स्कीम और 957 एफआईआईएस का यहाँ पर पैसा भी लगा हुआ है। 40% का डिविडेंड पे कर रहा है तो ये भी अच्छी बात है, और इसी साल अगस्त महीने में इस कंपनी ने इतना बड़ा डिविडेंड यहाँ पर पे किया हुआ है। भारतीय एयरटेल के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव, अभी भी तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। उसके अलावा अगर एक और चीज है तो वो ये है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात, 2% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको यहाँ पर दे रहे हैं। मतलब 94% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, 94% लोगों का पॉजिटिव व्यू भारतीय एयरटेल में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस हैं उनकी जो अगर हम टारगेट्स की बात करें तो वो काफी हाई है। आप देखिए, जब शेयर 450 रुपए के ऊपर था तब आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बाइंग करने की रेटिंग दी थी और 700 रुपए का टारगेट प्राइस रखा था। उसी वक्त शेर खान ने भी बाय की रेटिंग दी थी और 710 रुपए का टारगेट रखा था, और उसी वक्त मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग की रेटिंग दी थी और 650 रुपए का टारगेट प्राइस रखा था। मतलब टारगेट बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर इसके टारगेट है, और यकीनन ये एक इसकी स्ट्रेंथ है, और मुझे लगता है कि ये जो टारगेट है ऊपर के वो शायद और ऊपर रह सकते हैं। एक और चीज जो अच्छी थी भारतीय एयरटेल की वो ये थी कि भारतीय एयरटेल के सब जो कस्टमर है वो सितंबर में बढ़े हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारतीय एयरटेल एडेड 37.70 लाख कस्टमर, न्यू कस्टमर इन सितंबर, नए यूजर्स जुड़े हैं जो काफी बेहतर बात है, और देखिए यही इनका ग्रोथ है कंपनी का। ये जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि अगर हम आरपू की बात करें तो पर यूजर 140 रुपए के आसपास का इनका आरपू हमें देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, दिक्कत यहाँ पर यह है कि रिलायंस और एयरटेल के कस्टमर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। अभी भी अगर हम बात करने जाए तो सबसे हाईएस्ट कस्टमर बेस जो है वो रिलायंस के पास है, 404 मिलियन कस्टमर्स
आपको रिलायंस के पास देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है भारती एयरटेल 326 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। उसके बाद है वोडाफोन। वोडाफोन एक्चुअल में पहले सबसे पहले नंबर की कस्टमर की कंपनी हुआ करते थे, लेकिन बाद में जियो आ गया, फिर वोडाफोन सेकंड नंबर पे है, अब वो थर्ड नंबर पे आ चुका है। अब तक वोडाफोन सेकंड नंबर पे था, अब थर्ड नंबर पर वोडाफोन है। तकरीबन 295 मिलियन कस्टमर वोडाफोन के पास है। बीएसएनएल के पास 118 119 मिलियन सब्सक्राइबर है। एमटीएनएल के पास मुश्किल से 3 मिलियन सब्सक्राइबर हमें कस्टमर देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे एयरटेल का कस्टमर बेस जो यूजर बेस है वो इम्प्रूव हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जो पहले तीसरे नंबर की कंपनी हुआ करती थी भारतीय एयरटेल, अब वो दूसरे नंबर की कंपनी बन चुकी है अगर हम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर की बात करें तो। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया का डाउनफॉल हो रहा है वो कहीं ना कहीं एयरटेल और जियो के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो अभी भी तकरीबन 300 मिलियन सब्सक्राइबर वोडाफोन आइडिया के पास अभी भी है। तो आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए कि कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती, हालांकि चांसेस बहुत कम है सस्टेन ना कर पाने के, लेकिन कंपनी को सर्वाइव करने के लिए जो अपने प्लान्स इन्होंने बढ़ाए हैं, शायद उसकी वजह से लोग अगर पोर्ट करा लेते अपना नंबर और स्विच कर जाते हैं एयरटेल और जियो में, तो कहीं ना कहीं इन दोनों कस्टमर यूजर बेस है वो इम्प्रूव हो रहा है और एयरटेल का भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये इनके पॉजिटिव फेवर में ये चीज काम कर रही है, तो ये अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि अब तक ये कंपनी लॉस में थी, लेकिन सितंबर क्वार्टर से एक अच्छा सा प्रॉफिट, हालांकि 8 रुपए का ही इनको मुनाफा हुआ, तो वो अच्छा नहीं, लेकिन अब तक कंपनी 15,000 करोड़, 5,000 करोड़, 300 करोड़, 23,000 करोड़ तक के लॉस में थी। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि याद रखिए, अगर दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया, अगर 50 करोड़ का भी प्रॉफिट दिखाया या फिर 10 करोड़ का भी प्रॉफिट दिखाया, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट, सॉरी 8 रुपए नहीं है, 8 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है। तो 8 करोड़ का ये प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में ये जो प्रॉफिट है वो और बेहतर अगर ग्रो करेंगे तो कंपनी एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगी, और डेफिनेटली इनके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत 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 ही ज्यादा बेहतर होने के चांसेस है। प्रमोटर की 56% की होल्डिंग है। अगर पूरे प्रमोटर की बात करें तो एक दो प्रमोटर नहीं, तो बहुत सारे प्रमोटर होते हैं, तो 56% की होल्डिंग है। इसमें भारती एयरटेल की हम बात करें जाए, भारती की बात करें तो उनके पास तकरीबन 36% की होल्डिंग देखने को मिले, जो हमने ऑलरेडी पिछले मैं आपको दिखा चुके हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि भारती एयरटेल डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग हो सकती है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शेयर आराम से 530 रुपए तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में 600 रुपए तक का भी टारगेट आपको आराम से अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए अभी हो क्या रहा है कि अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो दो कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें से भारतीय एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है। रिलायंस जियो है जरूर, लेकिन वो एज अ टेलीकॉम सेक्टर में नहीं है, वो अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में काउंट होती है। तो जो जब तक रिलायंस जियो का आईपीओ नहीं आता, तब तक भारतीय एयरटेल एक लौती बड़ी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की, ये हम मान सकते हैं, कह सकते हैं। तो अभी जो फायदा हो रहा है वो भारतीय एयरटेल को हो रहा है। अगर कल को जियो का आईपीओ आ जाता है तो डेफिनेटली आपको भारतीय एयरटेल के शेयर में प्रेशर देखने को मिलेगा, लोग जियो में खरीदारी करना शुरू करेंगे। तो तब जब तक जियो का आईपीओ नहीं आता, तब तक मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइड में, और तब तक भारतीय एयरटेल 600 रुपए का जो टारगेट है उसको भी अचीव आराम से कर लेगा। तो भारतीय एयरटेल में यही कहूंगा कि बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। जो बुरा वक्त था वो आई थिंक वो पास हो चुका है, और धीरे धीरे इनके जो यूजर्स है वो बढ़ रहे हैं, और खास करके पेंडेमिक ने पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो चेंज कर दी है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो पहले जो लोग 100 GB में भी अपना काम चला लेते थे, अब उनको 200 GB भी कम पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम देखने जाए तो ऑफिस का काम और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन अब शुरू हो चुकी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा डेटा कंजम्पशन कर रही है, और उसके लिए अगर हम देखें तो टेलीकॉम कंपनियों का फायदा ही फायदा यहाँ पर हो रहा है। तो लोगों को ज्यादा नेट पैक कराने की जरूरत पड़ रही है, लोग ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट और बाकी कॉलिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों का फायदा है, इनके जो आरपूज है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और अभी भी जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि आने वाले दिनों में कंपनी जो टैरिफ प्लान है उसको भी बढ़ा सकती है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट इनके लिए बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से 600 रुपए के आसपास लॉन्ग टर्म में ये शेयर जरूर जाना चाहिए, बने रहे यहाँ पर, डरने की जरूरत नहीं है। और फ्रेश बाइंग पे करना चाहो तो करो, लेकिन हाँ ये याद रखें कि एक ही झटके में ये मूव नहीं करेगा। हो सके कि यहाँ से 520 तक जाए, फिर वापस 500 पे आ जाए, फिर वापस 495 रुपये पर आ जाए, फिर वापस वहां से 530 540 रुपये तक चला जाए, फिर वापस वहां से थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो मैं कहूंगा कि अगर गिरावट आती है तो आप एवरेजिंग कर सके, इसलिए एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदना। अगर आपको 100 शेयर खरीदना तो पहले से 20 खरीदो, फिर वेट करो,
गिरावट आए और 20 क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए और 20 क्वांटिटी ऐड करो, ये सोच के खरीदारी करो कि गिरावट में आपको एवरेजिंग करना पड़ेगा, तो टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो और कम से कम लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए, 600 का टारगेट आपको आराम से लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और शॉर्ट टर्म में 530 रुपए तक। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर, अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारती एयरटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।